डीजल गाड़ी तो बंद कर ही दी है सरकार ने और सर इसके लिए और भी कुछ ऑप्शंस लेने पड़ेंगे सर जैसे सर पराली बढ़ती जा रही है पराली को चलाया जा रहा है इसको जो वो है, इसको कम करना पड़ेगा सर इस वक्त हमारी मौजूदगी एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में है और सीनियर डॉक्टर करण मदान हमारे साथ मौजूद हैं सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जिस तरह से आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा खराब देश भर में कहीं नहीं है लेकिन स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो रही है कई रिसर्च सामने आ रहे हैं अभी लेटेस्ट क्या जानकारी है देखिए अब आप देखेंगे कि जो वातावरण है जो हवा है काफी प्रदूषित हो गई है आप बाहर जाएं और सांस लें तो आप महसूस करते हैं कि एकदम जैसे कोई धुआं आप ब्रीथ कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं जो मरीजों को तकलीफ आ रही है हमको ये देखने में मिला है कि सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें कई मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो हमारे मरीज हैं जिनको एस्थमा दमा की तकलीफ है जो सीओपीडी के मरीज है जिनको सांस की तकलीफ कई सालों से रहती है उनकी कई प्रॉब्लम बढ़ गई है सांस लेना बढ़ में प्रॉब्लम छाती में दर्द और उनको उनके जो इन्हेलर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है कई लोगों को एस्तमा का अटैक जो एग्जैसरबेशन हम कहते हैं सीओपीडी एग्जैसरबेशन उस तरह के एपिसोड भी हुए हैं और कई लोगों को भर्ती की भी जरूरत पड़ी है तो देखने में ये आ रहा है कि जब से ये वातावरण में जो हमारी एयर क्वालिटी का सर गिरा है तब से हमारा जो ये मरीजों में है कई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है सर एक रिसर्च सामने आई जिसे बताया जा रहा है टीन एजर्स जो 12-13 साल के बच्चे हैं उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो रही है और खास तौर पे जो स्मोक करते हैं कहा जाता है उनके लंग्स जल्दी खराब होते हैं और काले पड़ जाते हैं जो नॉर्मल लंग्स होते हैं एक किसी भी आम आदमी का वो पिंक कलर के होते हैं लेकिन काले पड़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से तो ये कितना खतरनाक है और इसके बारे में बताइए कि किस तरह से डिफरेंस है दोनों में देखिए ये बहुत ही आपने जरूरी सवाल पूछा क्योंकि क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमको दिखती हैं और कई चीजें हमको दिखती नहीं है तो कई बार जो दिखता है कि फेफड़ों पे क्या असर पड़ रहा है जब सर्जन सर्जरी करते हैं और लंग्स को देखते हैं कि अंदर के लंग कैसे हैं तो ये पता लगता है जैसे आप ये देखेंगे एक ये मैंने एक फोटो आपके लिए निकाल रखा है जैसे आप ये बाई तरफ देखें तो ये जो फेफड़े हैं आपको गुलाबी फेफड़े दिख रहे हैं तो ये पिंक फेफड़े होते हैं जो नॉर्मल लंग है जो कि पॉसिबली एक जो साफ वातावरण में जिसका फेफड़ा है उस तरह का जैसे दिखेगा आप इस तरफ देखें तो ये एक तरह से आप देखिए किस तरह से इसका रंग ब्लैक या काला पड़ गया है तो ये कई बार इस तरह की चीजें उस, उस स्थिति में देखने को मिलती है जहां पे लोग बहुत ही प्रदूषित वातावरण में काम कर रहे हैं वो तो एक स्थिति होती है कि जैसे माइनिंग करना या उस तरह की सिचुएशन जहां पे ये चीजें होती हैं बट अगर आप ये देखें ये भी शोध सामने आ रहा है कि जो लोग हाई पोल्यूशन के एरियाज में रहते हैं वहां पर भी कई बार सर्जरी के दौरान देखा जाता है कि जब उनके फेफड़े देखते हैं तो वही तरह से उनमें कालापन होता है लेकिन क्या कहेंगे आप उन दर्शकों को क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर हैं उन्हें बाहर जाके काम करना है हमें और आपको रोजाना बाहर निकलना है किस तरह से बचे क्या चीजें हम इस्तेमाल करें अपने डेली लाइफ में क्योंकि बाहर घूमने टहलने वाले लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं जो ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर वो सांस लेंगे तो देखिए एक चीज तो यह है कि जब ये एयर क्वालिटी का स्तर बहुत ही पूर हो जाए जैसा आज के दिनों में है तो उसके इसमें यह भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो हेल्दी लोगों के भी ऊपर भी हेल्थ इफेक्ट्स कर सकता है तो इसीलिए आउटडोर में या बाहर के वातावरण में जो एक हम हैवी फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम कहते हैं वो एक तरह से थोड़ा अगर अवॉइड कर सके तो अच्छा है और जो लोग जिनको हार्ट की बीमारी है सांस की बीमारी है बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो अगर बाहर अपना जो आउटडोर व्यायाम या जो फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट करें इन दिनों में तो वो यूजफुल रहेगा जहां तक रही दूसरी बात ये जो मास्क है मास्क जो कपड़े के मास्क और जो सर्जिकल नॉर्मल मास्क होते हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते बिकॉज ये जो पार्टिकल का साइज है बहुत ही सूक्ष्म होता है वो पार्टिकल इसको फिल्टर करने में सक्षम नहीं होते और जो दूसरे किस्म के मास्क होते हैं उनको पहनना जैसे नाइनटी फाइव मास्क लगाना हर वक्त वो पहनना वो भी एक तरह से अपने में एक प्रॉब्लम है